सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी एक्ट में कुछ गाइडलाइन जारी करने के विरोध में आज विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर अंबेडकरवादी छात्र सभा, पूर्वांचल सेना सहित अन्य दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी हाथों में लाठी डंडे लेकर चल रहे थे। कई जगह पुलिस से झड़प भी हुई। वैसे सोमवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, एसपी क्राइम आलोक वर्मा भी मौके पर डटे रहे। वहीं जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद एडवोकेट की अध्यक्षता में एक बैठक की और उसके बाद उन्होंने भारत बंद के नाम पर हो रही अराजकता का विरोध और इसकी घोर निंदा भी की। Get out of there.